हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सूर्या की आने वाली फिल्म कंगवा की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सूर्या की ये फिल्म ईद 2024 में रिलीज होगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद 2024 में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां भी आने वाली है, तो 11 अप्रैल 2024 को बड़े मियां छोटे मियां और कंगवा फिल्म के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। कंगवा एक बड़े बजट की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सूर्या एक वॉरियर के रोल में नजर आएंगे। बड़े मियां छोटे मियां भी एक बड़े बजट की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक एजेंट के रोल में नजर आएंगे। कंगवा करीब 10 भाषाओं में रिलीज होगी, वहीं बड़े मियां छोटे मियां करीब 3 भाषाओं में रिलीज होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि यहां हिंदी बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच क्या होता है। वैसे 11 अप्रैल के एक हफ्ते पहले यानी कि 5 अप्रैल को देवरा फिल्म भी रिलीज होगी। देवरा भी एक बड़े बजट की पैन इंडिया फिल्म है जिसे कोटाला शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म भी करीब 5 भाषाओं में रिलीज होगी। कहने का मतलब ये है कि इन दो बड़ी पैन इंडिया फिल्मों की वजह से बड़े मियां छोटे मियां के बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में बॉलीवुड के कुछ बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। तो 5 अप्रैल को देवरा फिल्म रिलीज होगी और 11 अप्रैल को कंगवा। मैं आप सब जानना चाहूंगा कि क्या इन दो बड़ी पैन इंडिया फिल्मों की वजह से बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज डेट पोस्टपोन्ड होगी या फिर ये फिल्म 11 अप्रैल 2024 को ही रिलीज होगी। और अगर ये फिल्में आती हैं तो इससे बड़े मियां छोटे मियां के बॉक्स ऑफिस पर कितना फर्क पड़ेगा। क्या बात है। दिवाली के इस मौके पर शाहरुख खान के आने वाली फिल्म डंकी का 2 नया पोस्टर रिलीज किया गया है। सिंपल सा पोस्टर है जिसमें आप फिल्म के मैन कलाकारों को देख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीजर की तरह यहां इस पोस्टर में भी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट मेंशन नहीं की गई है। हाँ, कहा गया है कि ये फिल्म क्रिसमस के वीकेंड में रिलीज होगी, लेकिन क्रिसमस के वीकेंड में किस डेट में रिलीज होगी तो अभी उस डेट को रिवील नहीं किया गया है। तो ये काफी बड़ा सवाल है कि आखिर डंकी फिल्म कब रिलीज होगी, 22 दिसंबर को या फिर 21 दिसंबर को। सालार की बात करें तो सालार के मेकर्स अपने हर नए पोस्टर में बताते आ रहे हैं कि ये फिल्म 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी। तो देखना ये होगा कि डंकी 22 दिसंबर को सालार के साथ आती है या फिर 21 दिसंबर को, क्योंकि खबरों की माने तो डंकी 21 दिसंबर को ही ओवरसीज बॉक्स ऑफिस के साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी रिलीज होगी। जो भी है, आगे हम आपको फिल्मी टॉक में बताते रहेंगे। मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो मेरी दादी मर जाए। सत नाम वाहिगुरु। मोहनलाल की मच अवेटेड फिल्म एल्टू इम्प्रान का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। यहाँ इस पोस्टर में आप मोहनलाल को बैक साइड से देख सकते हैं। दोनों साइड में गाड़ियां जल रही हैं, सामने हेलीकॉप्टर है और उसके सामने मोहनलाल गन लेके खड़े हुए हैं। इम्प्रान 2019 में आई मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर फिल्म लुसिफर की सिक्वल है जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन डायरेक्ट कर रहे हैं। पिछली फिल्म को भी पृथ्वीराज सुकुमारन ने ही डायरेक्ट किया था। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि मोहनलाल की ये फिल्म 2024 एंड या फिर 2025 के शुरू में रिलीज होगी। विष्णु विशाल की आने वाली फिल्म लाल सलाम का टीजर कल 12 नवंबर को सुबह 10:45 पर रिलीज होगा। लाल सलाम एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने डायरेक्ट किया है। विष्णु विशाल फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं रजनीकांत भी एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे। रजनीकांत का रोल काफी खास होगा क्योंकि उन्हें फिल्म के पोस्टर में भी दिखाया गया है। तो लाल सलाम का टीजर कल 12 नवंबर को रिलीज होगा और ये फिल्म संक्रांति 2024 के वीकेंड में रिलीज होगी। और आपको जानकर दुख होगा कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स ने फिर से अपनी आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट चेंज कर दी है। काफी सारी फिल्में जो 2024 में आने वाली थीं, अब वो फिल्में 2025 में रिलीज होंगी। ये एमसीयू के अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि डेडपूल 3 के अलावा बाकी सभी फिल्मों को 2025 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अब 2024 में एमसीयू की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज होगी और वो फिल्म है डेडपूल 3। पता नहीं एमसीयू फैंस को कैसे बर्दाश्त होगा, क्योंकि हर साल एमसीयू की 3-4 फिल्में रिलीज होती थीं, लेकिन अब 2024 में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज होगी। बाकी इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4, फैंटास्टिक 4, थंडरबोल्ट्स और ब्लेड फिल्म 2025 में रिलीज होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप एमसीयू की आने वाली फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुहाना खान की पहली फिल्म जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी, उस फिल्म का नाम होगा द किंग। अभी कुछ दिनों पहले ही सुहाना खान की फिल्म को अनाउंस किया गया है जिसे सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस करेंगे, वहीं सुजॉय घोष डायरेक्ट करेंगे। सुजॉय घोष ने ही कहानी और बदला फिल्म को डायरेक्ट किया था। सुहाना खान और सुजॉय घोष की ये फिल्म एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें शाहरुख खान भी एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे। तो बताया जा रहा है कि सुहाना खान की फिल्म का टाइटल होगा द किंग। द किंग की शूटिंग 2024 के शुरू में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2024 के एंड तक आ सकती है। नेटफ्लिक्स की साई फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म कोड 8 पार्ट 2 की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है।
कोडेड 2019 में आई थी, जिसे अभी रोटेन टोमेटोज पर 81% की रेटिंग मिली है। तो अब कोडेड पार्ट 2 की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है और ये फिल्म 27 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। और साथ ही द लायन किंग की प्रीक्वल मुफासा की रिलीज डेट भी चेंज कर दी गई है। मुफासा फिल्म लायन किंग की प्रीक्वल है, जिसमें हमें द लायन किंग के पहले की कहानी देखने को मिलेगी। मुफासा पहले 5 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन स्ट्राइक की वजह से फिल्म की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है और अब ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। बालाकृष्णा की एक्शन ड्रामा फिल्म भगवंत केसरी अब हिंदी में भी रिलीज होगी। फिल्म के एक्टर बालाकृष्णा ने खुद कहा है कि भगवंत केसरी हिंदी में रिलीज होने के लिए तैयार है और बहुत जल्द ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भगवंत केसरी अभी अक्टूबर के महीने में रिलीज हुई थी, जिसे काफी अच्छे रिव्यू मिले थे। तो बालाकृष्णा की ये फिल्म बहुत जल्द यहाँ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। और खबरों की माने तो जयम रवि की आने वाली फिल्म सायरन 22 दिसंबर को रिलीज होगी। सायरन एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जयम रवि लीड रोल में नजर आएंगे। यहाँ इस पोस्टर में आप जयम रवि को एक कैदी के लुक में देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी बदले के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ऑफिशियल रिलीज डेट अभी नहीं आई है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये फिल्म 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 दिसंबर को तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर सालार और एक्वामैन 2 रिलीज होगी। मेरे हिसाब से अगर सारे फिल्म आती है तो इसे 15 दिसंबर को रिलीज करना चाहिए, नहीं तो अगर ये फिल्म 22 दिसंबर को आती है तो ये फिल्म कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर डायनासोर आने वाला है। ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर की फिल्म पीपा को अमेजोन प्राइम पर रिलीज किया गया है। पीपा एक वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर के इर्द गिर्द बुनी गई है। कल 10 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हुई है, जिसे अभी आईएमडीबी पर 6.5 की रेटिंग मिली है। तो अभी आप पीपा को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान को हराने की लड़ाई नहीं, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान के 6 करोड़ लोगों को उनकी आजादी दिलवाने की लड़ाई। डायरेक्टर डेविड फिंचर की एक्शन थ्रिलर फिल्म द किलर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। द किलर की कहानी एक प्रोफेशनल किलर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें माइकल फेसबेंडर एक किलर के रोल में नजर आएंगे। अभी आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी देख सकते हैं। और लॉकी सीजन 2 के सारे एपिसोड अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ गए हैं। सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी टोटल 6 एपिसोड हैं, जिन्हें आप अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी देख सकते हैं। लॉकी, तुम तो बड़े उतावले हो रहे हो। अरे फालतू एक्टर है तू, फालतू एक्टर। मैं भड़क गया था, याद है जब मैंने पूरे न्यूयॉर्क शहर को बंदी बना लिया एलियन आर्मी के साथ, हो जाता है। और अगर देख लिया है तो लॉकी सीजन 2 आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।